ओम शांति। हम सभी सर्वशक्तिवान की संतान हैं, बहुत शक्तिशाली। उसमें भी जो बाबा के बहुत समीप हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। जो सह स्वमान का अभ्यास करते हैं, वो भी बहुत शक्तिशाली हैं। जिन्होंने अपनी पवित्रता को बहुत आगे बढ़ा लिया है, और जो योग युक्त रहते हैं, वो इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। उनकी शक्तियों के वाइब्रेशन से इस संसार से माया के जर्म्स नष्ट हो जाते हैं। हम अपनी शक्तियों को पहचाने, शेर का बच्चा भी शेर होता है। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे भी बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों की स्मृति में रहने से हमें संसार की बड़ी से बड़ी बात भी बहुत सरल खेल तुल्य लगेगी। याद करें, हम बहुतों ने ये कहानी नहीं सुनी है। शंकराचार्य एक छोटा सा बच्चा संन्यास ले लिया, 8 साल की आयु में अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु आंख बंद करके तपस्या में लीन थे। 3 दिन के बाद आंखें खोली, बुलाया अपने समीप और उनके सिर पर हाथ रख दिया, और उनके सिर पर हाथ रखकर अपनी 8ों सिद्धियां उन्हें प्रदान कर दी। उन 8 सिद्धियों के बल से शंकराचार्य इस भारत में बहुत महान कार्य करने में सक्षम हुए। अनेक शिवालयों की उन्होंने स्थापना की। हिंदू धर्म जो मृत प्राय हो गया था, उसका पुनरुद्धार किया, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म बहुत फैल गया था। उनको आकाश गमन सिद्धि थी, जल गमन सिद्धि थी, और 6 सिद्धियां थी। अपने छोटे रूप को बड़ा कर लेना, बड़े रूप को छोटा कर लेना, प्रकाय प्रवेश कर लेना, दूसरों के मन की बात को जान लेना, दूरदृष्टि, ये सब सिद्धियां उनके पास थी। सोचने की बात है, एक मनुष्य के सिर पर मनुष्य गुरु ने हाथ रखा और उसको इतना समर्थ सिद्धि से संपन्न कर दिया। हमारे सिर पर हाथ रखा स्वयं भगवान ने, सर्वशक्तिवान ने, वरदानों के दाता ने, और हमें सिद्धियां नहीं वरदान दे दिए। बहुत बड़ी चीज है। हम रियलाइज करें और फील करें, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। स्वीकार करने में बहुत शक्तिशाली हूँ। इस सत्य को याद करने लगे कि मेरे पास परमात्म शक्तियां हैं। मैं इन शक्तियों के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हूँ। बार बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति को अपने अंदर लाएं, तो ये शक्तियां जो बाबा से हमें मिली हैं, ये जागृत रहेंगी और हम स्वयं को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। ये शक्तियां वाइब्रेशंस के रूप में चारों ओर फैलती रहेंगी। हमारे चारों ओर के वाइब्रेशंस चार्ज होते जाएंगे। और याद करें, जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, समस्याएं उनके लिए ऐसे ही हैं जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी। सफलता तो उनके आगे पीछे घूमेगी। एक दिन आएगा, सारा संसार उनके पैरों में झुकेगा। तो हम सभी बहुत शक्तिशाली हैं। आज सारा दिन बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और इसी स्मृति को बार बार लाएंगे। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्ति
शक्तिवान हूँ और सर्व शक्तिवान बाबा की किरणें मुझ में समा कर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मैं माइट हाउस हो गया, मेरे अंग अंग से ये शक्तियों की किरणें प्रवाहित हो रही हैं चारों ओर और माया के जर्म्स को नष्ट कर रही हैं। ओम शांति।